हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, शुक्ल पक्षी मार्गशीर्ष माह, हेमंत ऋतु और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, विषकंभ योग का संयोग रहेगा। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:50 से 12:31 तक, और राहु काल दोपहर 2:45 से 4:02 तक। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग हम जानते हैं। मंगलवार मंगल ग्रह को समर्पित शुभ दिन है, और मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। ऐसे हमारी शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार इस दिन हनुमान जी को सच्चे मन से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, और कभी हनुमान जी की उपासना करने से और मंगलवार का व्रत करने से और हनुमान जी के पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति का संचार होता है, और हमें अनेक प्रकार के चंचल भावों को भाव दूर होते हैं, हमारी चंचलता दूर होती है, हमारे अंदर सहन शक्ति और शीलता और इस प्रकार के भाव व्याप्त तो होते हैं। और जब दोस्तों हम राम दूत हनुमान हनुमान ते ही परसा कर पुने की इन प्रणाम, राम काज की ने भी नाम मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के कार्य में कोई भी कार्य उन्होंने अपने जीवन तक जीवन में किया था, तो हनुमान जी ने हमेशा अपने जीवन को परम परमेश्वर रामचंद्र की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। इसीलिए उनको रामदूत पक्के और सच्चे दूत थे, भक्त थे। इसीलिए दोस्तों उनको संकट मोचन भी कहा जाता है, और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से हमारी रक्षा करते हैं। मंगल का व्रत अमंगलों को, अनेक प्रकार के अमंगलों को का हरण करता है, और मंगल ग्रह दोस्तों की शक्ति के लिए मंगलवार के दिन व्रत और हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से और हनुमान जी में लाल पुष्पों को समर्पित करने से, चमेली का तेल और लाल वस्त्र, चंदन, लाल फूल, जैसे हम दाल यानी मसूर की दाल का दान भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इससे हमारे जीवन में जो अशुभ प्रभाव होते हैं वह हमेशा के समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों की मर्यादा है दोस्तों। मंगल के मूल लक्षण क्या होते हैं? जब मंगल किसी भी जातक के जीवन में मंगल ग्रह अगर अपना दुर्प्रभाव या कुप्रभाव दिखाते हैं, अन्य ग्रहों की दृष्टि सही नहीं होती है, और किसी भी जातक का मंगल अगर सही जगह पर नहीं होता है दोस्तों, पहले भी मैंने बताया कि हम जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय जो 9 ग्रहों की दृष्टि होती है, 9 ग्रहों की जो उनकी उनके भाव होते हैं, वह हमारे जीवन भर हमारे जीवन को जीवन का के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। तो और दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हमारे जीवन में कठिन होती है, परेशानी होती है, चुनौतियां होती हैं, तो उनका कुछ ना कुछ साधना करके और उपासना करके, पूजा पाठ से और संयम से, अपने इंद्रियों में संयम को धारण करके
हम उन ग्रहों को शांत कर सकते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के रोग और व्याधि हमारे जीवन में नहीं आती हैं, और मंगल खराब होने से दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, और जैसे हमारे अंदरूनी बीमारियां हमारे अंदर आती हैं, जैसे हमारे लीवर है, गुर्दा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हमको होती हैं, बीपी बढ़ जाता है और गठिया हो जाता है, फोड़ी फुंसियाँ हो जाते हैं। इस प्रकार के अगर किसी के जीवन में, किसी भी जातक में, अगर जातक के जीवन में इस प्रकार के होते हैं, तो निश्चित ही सोचिए दोस्तों मंगल का कुप्रभाव है, यानी मंगल की उपासना करना बहुत ही नितांत जरूरी है, आवश्यकी है। मंगलवार मंगल का कुप्रभाव स्वभाव में उग्रता भी लाता है, यानी अनेक प्रकार की चंचलता हमारी, और हम किसी भी कार्य को करने में बहुत ही तीव्रता से करते हैं, चंचलता से करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। तभी कहा है दोस्तों यानी बिना सोचे अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका नुकसान होता है। तो इसी प्रकार मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह का अगर कुप्रभाव होता है तो उसको, उसके कुप्रभाव को दूर करने के लिए हमको मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करके और नियमित समय पर भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठन करना चाहिए। सुंदर कांड जो है रामचंद्र की मर्यादा का सबसे अच्छा कांड माना जाता है हनुमान चालीसा। हनुमान जी रामचंद्र के परम सखा हैं, अगर राम खुश रहते हैं तभी कहा है दोस्तों बिना हनुमान के राम नहीं मिलते हैं और बिना राम के हनुमान नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के भाव हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन में सार्थकता और सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक है। लाल चीज़ों का दान करना, जैसे लाल मिर्ची है और लाल चीज़ों का, लाल वस्त्र हैं और लाल चीज़ों का प्रयोग करना, और हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाना और लाल चंदन चढ़ाना, लाल पुष्प चढ़ाना, लाल वस्त्र चढ़ाना, इस प्रकार के भाव हनुमान जी लाल वस्त्र को पसंद करते थे। और दोस्तों लाल रंग के कपड़े, शहद है और मसूर की दाल का दान करना है, और अनेक प्रकार के इसमें दोस्तों हमारे जीवन में अगर विवाह में देरी होती है, दुर्घटना के कारण बनते हैं, तो अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती हैं, जो क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो मंगल के कुप्रभाव के कारण होता है। इसीलिए हमको शांति करने के लिए हनुमान चालीसा का ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। मंगलवार को दोस्तों लोहे के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, लोहे के बर्तनों में खाना शुद्ध धातु में सेवन करना चाहिए, और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तांबा, लाल चीज़ें तथा लाल चंदन, लाल फूल का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे जीवन में जो अशुभ प्रभाव हैं उनको समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में मंगल अगर हमारी सही जगह पर, यानी अशुभ ग्रहों पर बैठा रहता है, तो 28 साल तक दोस्तों हमारे जीवन में मंगल का कुप्रभाव रहता है। उसके लिए हमको साधक के रूप में उपासना करके, मंगल का ध्यान करके, हनुमान जी का पठन करके, हनुमान जी की आराधना करके अपने ग्रहों को सही सुचारू रूप से संयंत्रित करना चाहिए, अपने अंदर संयम बरतना चाहिए। खास तौर से दोस्तों जब मंगल ग्रह हमारा कमज़ोर होता है तो हमारे एक है और चार है, सात है, वो आठ व बारह, 12वें घर में जब मंगल होता है तो किसी भी जातक को मांगलिक माना जाता है। अगर मंगल हमारे हमारे जन्म पत्रिका में, हमारे जो जन्म पत्रिका बनती है, हम जिस समय जन्म लेते हैं उस समय समस्त ग्रहों के प्रभाव से मंगल का जो योग होता है, अगर वह पहले भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, सातवें, आठवें व 12वें भाव में बैठा हो, तो मंगल जो है वह लोग मांगलिक कहलाते हैं। और सात्विक भोजन मंगलवार के दिन करना चाहिए, और गुड़ और गेहूं का सेवन अधिक करना चाहिए, और बेसन जो
पीला बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से मंगल जो है हमारे चंचलता को, अगर मंगल का प्रभाव होता है तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चंचलता, हम चंचलता होने से हम अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसमें सही ढंग से निर्णय नहीं लेते हैं। इसीलिए सही निर्णयों को लेने के लिए दोस्तों जीवन में हमको साधना करनी पड़ती है। परमेश्वर भगवान राम सिंह ने भी अनेक प्रकार की साधना जीवन को आगे बढ़ाया, और इसीलिए साधना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। अगर हमारे जीवन में हमारे इंद्रियों में नियंत्रण है, हमारे अंदर उपासना है, हमारे पास भक्तिभाव है, और तो हम अपने नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं। कि हर एक चीज़ का दोस्तों, अगर हमारे लिए कहीं कठिनाई होती है, परेशानी चुनौतियाँ होती हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ विकल्प होता है। उस विकल्प के अनुसार हमको अपने जीवन को साध्य बना करके चरितार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की साधना की, और इन्हीं साधना के बदौलत उनका जीवन सार्थक हुआ, और वह इस संसार में अमृत का यानी उनको आदर्शता का प्रतीक माना, और आज भी हमारे पूरी सृष्टि की रचना के अनुसार पूरे जगत में राम चरित मानस का पाठ और ध्यान और रामायण का पाठन किया जाता है, और अनेक प्रकार से जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, परिवेश था, उसी के अनुसार अपने जीवन को बना करके आदर्श जीवन को बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम में एक वह उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद जमुना नदी में जो श्याम वर्ण की थी, वहाँ पर अपना स्नान ध्यान करके जमुना को प्रणाम करके, और सीता जी और लक्ष्मण और निषाद राज के साथ वो आगे बढ़े, और तब भरद्वाज ने उनके साथ अनेक प्रकार के लोगों को जो वहाँ वन के निपुण लोग थे, ऋषि थे और सही विचारधारा के थे, उनको उनके साथ भेजा। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी वन को जाने लगे, तो उन्होंने उनको वापस कर दिया वन का मार्ग। अब वन के मार्ग में उनको अनेक प्रकार के हाथी, शेर, वन्य जीव वह मिले, और तब वह आगे जाकर के वहाँ के प्रजा ने जो जमुना के तटों पर, किनारों पर और जमुना के घाटों पर जो अनेक प्रकार के प्रजा जो है उनकी उनके साथ बन जाने के लिए तैयार थे, और उनकी भक्ति में लीन होना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार का सहित चित्रण किया। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ रामचंद्र का निवास है, तब वह जो है उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार का सुंदर परिवेश उनको मिलने लगता है। वैसे लोगों से उनको, यानी वह किसी को भी अपने साथ हमेशा के लिए परेशान नहीं करना चाहते। उन्होंने जहाँ एक और सुमंत को वापस लौटाया, उसके बाद निषाद राज को उन्होंने वापस किया, और भरद्वाज जी ने उनके साथ अनेक प्रकार के सिद्ध मुनियों को भेजा, और जो निपुण थे वन के राज्य में उनको भी उन्होंने वापस किया। तब रास्ते में बादल छाया करते थे, देवताओं ने फूल बरसाए, और पर्वत और पशु पक्षी देखते हुए रामचंद्र जी रास्ते में चले जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। तो सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकलता उनक सही जाई, सुनी सब बाल वृद्ध नारी, चले ही तुरंत घर काज बिछारी। तब सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं, तो उनका आना सुनते ही बड़े बड़े बालक हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब अपने घर और काम काज को छोड़ कर करके तुरंत उनको देखने के लिए उनके इतने आतुर हो जाते हैं। इस प्रकार के भाव दोस्तों कल के प्रसंग में हैं। तब एक कलश भरी आनने पानी, तब वह क्या करते हैं, कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकान मिला लीजिए,
मिटा दीजिए, फिर चाहे सभी यानी आगे बढ़ जाए। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम से कहते हैं तो इस प्रकार से वहाँ पर विश्राम करिए। एक कलश भरी आनी पानी उस अच कहीं अची हाँ उचे ही नाथ करही मधुबानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी राम कपाल सुशील विशेष। तब कोई बड़ा भरकर पानी, कोई घड़ा भरकर पानी लाते जल को लाते हैं और जल का ला करके सुख शगुन कर रहे हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उसके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र ने क्या कहा, जान स्मित सिय मन माही घरिक विलम्ब कीन बढ़ राही, मुदित नार नर देखें शोभा रूप अनूप नहीं नंदो। तब कहते हैं मन में सीता जी की थकी हुई जानकर घड़ी पर बड़ की छाया के विश्राम किया। तब सीता जी को सीता जी वैसे तो सीता जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि मैं अगर राम सिंह के साथ वनवास जा रही हूँ, वन में जा रही हूँ तो मुझे वहीं सुख मिलेगा। मैं अनेक प्रकार के जो वन हैं जंगल हैं कठिनाइयों का जीवन है वो भी मेरे लिए सरल हो जाएगा और वह भी मेरे लिए सुगम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर भगवान राम जी मन ही मन समझ लेते हैं कि सीता जी को थकान हो गई हैं, सुकुमारी हैं और वन के परिवेश में उनका जाना कठिन है। तब वह उनको विश्राम करने के लिए मन में सोचा कि कुछ समय जो है यहाँ पर विश्राम किया जाए। तब उन्होंने बट के पेड़ के नीचे विश्राम किया और स्त्री पुरुष जो वहाँ के किरदार लोग थे जो उनके रूप को रंग और उनके उसको वेशभूषा को देखते हैं, उनके दिव्य रूप को देख रहे हैं, साकार रूप में भगवान के अवतार का दर्शन कर रहे हैं तो देख करके उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, रूप अनूप नयन मन लोभा। तब वह लोग अनुपम रूप से उनके नेत्र और मनों को लुभा रहे हैं, उनके नेत्रों में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की आभा से साकार भगवान के दर्शन कर रहे हैं। एक तक सब सोहई चहुरा राम चंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तरुण तमाल वरुण तन रोहा देखत गोर मदन मन मोहा। तब सब लोग एक टकी लगा करके टकटकी लगा करके एक भाव से जिसका चकुआ चकोर को बिल्कुल ऐसे दिखा रहता है, एक टकी लगा करके दिखा रहता है, उसी प्रकार वह भी रामचंद्र जी की छवि को राम लक्ष्मण और सीता की सीता जी की छवि को देख करके एक टकी लगा करके श्री राम जी के मुखचंद्र की चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। उनके वहाँ का दृश्य इतना सुशोभित हो रहा है तो तरुण तमाल बरन तन सोहा और श्री राम जी नवीन तमाल वृक्ष की रंग का श्याम यानी तमाल का वृक्ष श्याम रंग का होता है दोस्तों, ऐसा ही वो अनुभव कर रहे हैं अपने अंतःकरण में। शरीर अत्यंत ही शोभा दे रहा है जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन पे तो कामदेव करोड़ों कामदेव भी उनकी छवि की आ गई बेकार हो गए हैं, उनकी भी शोभा जो है बेकार हो गई है। इस प्रकार राम जी का शोभा का वर्णन उन्होंने तुलसीदास ने बड़े ही माधवी ढंग से किया है। दामिनी बरन लखन सुटिनी के नख सिख सुबग भाव तेजी के मुनिपट कपे कठिन कसे तुरी तुरी तुनीरा सोहई कर कमलई धनुरा। दामिनी बरन लखन सुटिनी के यानी बिजली के से रंग से लक्ष्मण जी की बहुत ही भले मालूम होते थे। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार लक्ष्मण जी की छवि देख रहे हैं और वे नख से शिखा तक सुंदर सुशोभित हो रहे हैं और मन को बहुत भा रहे हैं। उनके मन में उनकी आभा जो है विद्यमान हो रही है, आभा का लाभ उठा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और मुनिपट कठिन कसै तुरीना दोनों मुनियों के बतकल वस्त्र पहनकर पहने हुए हैं और कमर में तरकस यानी सोहई स कर कमलन धनुतीरा और कमर में जो है तरकस कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित है। इस प्रकार कमल के समान यानी कमल का पुष्प जिस प्रकार होता है उस प्रकार उनके हाथों की छवि का वर्णन तुलसीदास ने किया है तो उसमें जो है तरकस और बाण धनुष बाण जो है धारण किए हुए हैं। ऐसी छवि को देख करके वहाँ की जो प्रजा है वह आनंद विभोर होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का साकार रूप में दर्शन कर रहे हैं, उसका आनंद लेने और उनकी छवि को निहार करके देख करके एकटकी लगा करके उनको देखते जा रहे हैं।
अब दोस्तों क्या होता है, जटा मुकुट सीधन शुभ गौ उर्वज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बरौ दशत स्वीद कन जा। यानी जटा मुकुट सीधन शुभ गौ, तब राम जी के विचित्र शरीर का वर्णन तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। तब क्या है, उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, जटाएं ऐसी लग रही हैं। कितने दोस्तों, अगर हम परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविक छवि का अगर देखते हैं और उनकी छवि का अपने अंतःकरण में ध्यान लगाते हैं, तो उनकी जटाओं का जो स्वरूप दिखाई देता है वो वास्तव में बहुत ही दिव्य लगता है। वो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भगवत भजन और ब्रह्मलीन में हमारा अंतःकरण हो जाता है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने इस प्रकार का साकार वर्णन परमेश्वर भगवान राम जी के विचित्र दर्शन का किया, और वन में मुनि के वेश में ऐसे लग रहे हैं मान लो उनकी जटाओं की शोभा और उनके वस्त्र इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे उन्होंने वस्त्र पहने और तीर और धनुष बाण उन्होंने धारण किया हुआ है। अपार सभी का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तब जटा मुकुट सी रही शुभ गौ उर्व भुज नयन विशाल, और बक्ष स्थल जो उनकी छाती है, बक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है। दोस्तों परमेश्वर भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की छवि बहुत ही विशाल थी, उनकी बड़ी नेत्र थी और बक्ष स्थल उनका चौड़ा था और भुजाएँ बड़ी थी, नेत्र विशाल आँखें थीं। और शरद पूर्णिमा की का चंद्रमा जिस प्रकार होता है, शरद पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्रमा की छवि बहुत ही दिव्य होती है, विशाल होती है, एकदम मतलब स्वच्छ छवि होती है। शिव का परमेश्वर भगवान राम जी की छवि का वर्णन किया है, सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित होता है। तो उनके मुख पर जो है, जब वह चल रहे हैं रास्ते में, चलते हुए जब उनका वह पसीना जब उनका निकल रहा है, वह जो है मोती के समान लग रहे हैं और हीरे के समान लग रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन जो है तुलसीदास ने बड़े हृदयस्पर्शी ढंग से किया वर्णन किया है। वर्ण राय मनोहर दूरी, तब कहते हैं दोस्तों वहाँ की पूजा करती है तुलसीदास जी, इस प्रकार का वर्णन किया है। वर्ण राय मनोहर जोड़ी तुम, यानी उस मनोहर जोड़ी का वर्णन किया जाना बड़ा ही मुश्किल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं वो भी संकोच कर रहे हैं, शोभा बहुत थोड़ी मध्य मोरी, यानी क्योंकि शोभा बहुत अधिक है, अब बहुत अधिक है और बुद्धि, या तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी शोभा का वास्तविक दर्शन मात्र का, उनके स्वरूप का, उनके दिव्य रूप का, उनकी शोभा का वर्णन करना जो है मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूँ, वह जो है मेरे लिए अवर्णीय है, उसके लिए मैं छोटा पड़ जाता हूँ और उनकी शक्ति बड़ी पड़ जाती है। और यानी कहने का मतलब है, एक छोटा सा भक्त जो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविक शोभा का वर्णन कैसे कर सकता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने राम लखन सी सुंदरताई, राम श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। मन है मन वचन और कर्म, बुद्धि मन वचन और बुद्धि से, मन है चित्त है जो हमारा मन होता है, और मन दोस्तों हमारा हृदय होता है। अगर हम हृदय अंगन से अंतरंग से भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका अंतर मन से उनको ध्याते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हमें हमारे अंतःकरण में हमारी बुद्धि विवेक जाता है और तीनों लगाकर तो तब जो है सभी वहाँ लोग जो हैं अपने मन से चित्त से और बुद्धि तीनों का प्रयोग करके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सिंह के अपार दर्शन कर रहे हैं, उनकी दिव्य छटा का वर्णन करते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। और तुलसीदास जी ने बड़ा ही सौंदर्यमय वर्णन किया है। तब थके नार नर प्रेम प्यासी, मनोमगी मृग देख दियासी, यानी प्रेम के प्यासे जो है भक्ति भाव में सने प्रेम के प्यासे जो लोग हैं, और गाँव में जो स्त्रियां वहां पर हैं जो देख रहे हैं हर जगह, जैसे जैसे रामचंद्र जी वन में आगे को बढ़ रहे हैं, तो थके नार नर प्रेम प्यासे, भगवान भक्ति में प्रेम की
प्रेम के प्यासे स्त्री और पुरुष उनके सौंदर्य और माधुर्य के साथ सटा देख करके ऐसे थकित हो रहे हैं जैसे जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन, यानी इस प्रकार से वह जिस प्रकार दीपक को देख कर के हिरनी और हिरन जो हैं वह थके हुए महसूस होते हैं, ऐसे थके हुए महसूस हो रहे हैं कि वह एक टकी लगा करके उनको देख रहे हैं। और शीय समीप ग्राम तीयदाई पूछत यदि सनेश हो जाई, तब निस्तब्ध रहकर या निस्तब्ध कोई कुछ कहने के भाव में नहीं है, निस्तब्ध होकर के उनके अंतःकरण को देख रहे हैं। और गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में शौक जाती हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, उनके उनके स्वरूप को देख करके, उनके रूप को देख करके, उनके 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 दिव्य आकार को देख करके, उनकी भुजाओं को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनकी जटाओं को देख करके, उनके बतकल मुनियों के वस्त्रों को देख करके, इस प्रकार के दिव्य वस्त्रों को देख करके अपार सटा का वर्णन होता है। भगवान रामचंद्र जी दोस्तों जब अभी भी रामलीला और घर में जब दिखाया जाता है उस प्रकार के वस्त्रों का बतकल वस्त्र दिखाए जाते हैं, वो उसी समय से आज तक दोस्तों उनकी दिव्य गाथा का वर्णन होता है, तो उनका अपार सुख की अनुभूति वालों का रहे। ऐसे दिव्य साकार रूप में जब उनके दर्शन कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतार अवतरित होकर के अनेक प्रकार के लोगों का उद्धार किया। इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया और अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करवाया और इस जन्म मरण के भय से, संताप से और माया मोह के बंधन से अनेकों लोगों का उद्धार किया। इसी प्रकार वहाँ की जो प्रजा है, जैसे जैसे परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वन की ओर प्रवेश आगे जाते रह रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का जीवन जीवन भरपूर भक्ति से, भक्ति के भाव में रंग गया है। तब बार बार जब सब लाग ही पाई करें वचन मधु सरल सुभाई, राजकुमार विनय हम करें तीर सुभाई को पूछ करें, तब बार बार सब लाग ही पाई, बार बार सब उनके पांव लगते हैं, सारी सीधे साधे कोमल वचन कहते हैं कि हे राजकुमारी हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तब राम और लक्ष्मण जी से नहीं पूछ रही हैं स्त्रियाँ, तो वह सीता जी से पूछना चाहते हैं कि हम आपसे विनती करते हैं, आराधना करते हैं, निवेदन करते हैं कि परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्त्री स्वभाव है दोस्तों संकोच होता है, स्त्रियाँ जो है अभी भी अपने मन के भावों को कहने में थोड़ा संकोच होता है, इस प्रकार के भाव, क्योंकि स्त्री जो होती है वह आदर्श की प्रतीक होती हैं, शील और स्वभाव की प्रतीक होती हैं, इसलिए वह रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से पूछने में संकोच कर रही हैं। एक तो गांव का वातावरण है, वन का जीवन है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के उनको उस प्रकार के परिवेश को वह नहीं जानते हैं, वह समझ रहे हैं कि इतने विशाल स्वरूप के जो भगवान स्वरूप यहाँ पर ऐसे वन में जा रहे हैं, तो ये इनकी ये हमारी भाषा को कैसे समझेंगे, हम कैसे इनसे पूछें, तो अनेक प्रकार के संकोच कर रहे हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में भक्ति भाव पूर्ण रूप से समाहित हो गई है। तब स्वामिनी अभिनय समय क्षमा भी हमारी विलोगन मानक जान गंवारी, राजकुमार दो सहज सलोनी इनके लही दुती मरकर सोनी। तब वो कहते हैं हे स्वामिनी, तब वो कहते हैं कि स्वामिनी अभी अभी नए क्षमा भी हमारी, यानी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा, हम जो भी आपसे पूछने के लिए इतना विवश हो रहे हैं और इतना उत्सुक हो रहे हैं और हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है, तो उसके लिए हम आपको क्षमा मांगते हैं और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिए। या गांव का परिवेश जैसे मैंने बताया दोस्तों, तो गांव का जीवन अलग ही होता है, उनकी भाषा अलग होती है, हर क्षेत्र 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 एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, तो हर हर जगह जगह भाषा बोली और वहाँ का वातावरण परिवेश बदलता रहता है। उसी प्रकार वह लोग पूरा अपने को किसी भी बात को करने में संकोच कर रहे हैं, तब वह उनसे क्षमा मांग रहे हैं सीता जी से। और राजकुमार दो सहर सलोनी, यानी ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं,
लावण्य मर का बताया दोस्तों, इतने सुंदर लावण्य मतलब अपने मन को भाने वाले परम ही सुंदर लग रहे हैं। और इनका इनते लही दुति मरकत सोने, और मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण से सुवर्ण के क्रांति इन्हीं की पाई है। इस प्रकार का मतलब वर्णन तुलसीदास ने किया है राम जी की, राम लक्ष्मण और सीता जी के सौंदर्य का जिस प्रकार से वर्णन तुलसीदास ने किया है वह अवर्णीय है। इस प्रकार की उपमा की है जो जिनका जीवन मरकत मणि पन्ने के समान, पन्ना दोस्तों सबसे अमूल्य धातु होता है और वो स्वर्ण के समान उनका शरीर है, इन्हीं अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण से हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है। इसकी इनकी जो है हरित हरिताभ नील और स्वर्ण क्रांति के कण के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार की शोभा का वर्णन उन्होंने किया है कि इस प्रकार के स्वाभाविक है दोस्तों, कोई एकदम अलग से अलग छवि के व्यक्ति कहीं पर भी अगर वह कोई भी व्यक्ति कैसे जो इस प्रकार के लोग होते हैं अगर ऐसे जाते हैं जो जिन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति को रामचंद्र की जैसी आभा वाले व्यक्ति को वन में जाते हुए कभी नहीं देखा, तो वह लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए हैं उनके स्वरूप को देख करके, उनके दिव्य रूप को देख करके, उनके अंदर प्रेम भाव व्यक्त होते हैं, भक्तिभाव का आगम भक्तिभाव से वह लोग पूरा ही द्रवित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अपने मन में सोचते हैं। उनके लावण्यमय परम सुंदर आभा को देख करके वह लोग चकित हो जाते हैं। श्याम अल गौर किशोर बराव सुंदर सुषमाए, यानी श्याम और गौरवर्ण है वो कहते हैं उनका, या श्याम और गौरवर्ण यानी बीच का वर्ण उनका है, इस प्रकार का है। और वह कुछ तो श्याम लगते हैं, कुछ गौर हैं। बड़ सुंदर सुषमा है यानी श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। और रामचंद्र जी दोस्तों किशोर अवस्था में जो है वनवास उनका हुआ था, बहुत ही कम उम्र थी, और यानी किशोर अवस्था दोस्तों खेलने की उम्र होती है और अनेक प्रकार के कौशल करने की उम्र होती है। इसमें जो है किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, इस प्रकार का किशोर किशोर अवस्था कहलाती है। बड़ सुंदर सुषमाहीन सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के अपार धाम है, यानी सुंदरता की इतनी विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर दिखाई दे रही है। तब वहाँ के जो प्रजा है, वहाँ के लोग हैं, सीता जी से पूछते हैं शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोह बैन बैन नैन, यानी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा शरद सरवरी नाथ यानी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके मुख है, उनके मुख की शोभा जो है जिस प्रकार शरद का पूर्णिमा पूर्ण छवि के छवि से प्रकाशित होकर के निकलते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उनको शरद की पूर्णिमा से भी अपार छवि, उनको दिव्य छवि, उनको प्रकार इस प्रकार की छवि प्रतीत हो रही है। और मुख और शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र है, उनके नेत्र जो आँखें हैं वह कमल के समान पुष्पित हो रहे हैं। कमल का फूल बहुत बड़ा होता है दोस्तों, सबसे बड़ा पुष्प कमल का होता है, तो कमल के पुष्प की जैसे उनके नेत्र हैं। इस प्रकार की आभा के लोगों के बारे में दोनों राम लक्ष्मण और सीता जी के दिव्य रोग को लेकर के स्वभाव को देखकर उनके स्वभाव के नेत्रों को पूरे अंग अंग को देखकर के उनके बदकल वस्त्रों को देखकर के मुनि के वेश में और अनेक इस प्रकार की जटाओं को देखकर के और वह आश्चर्यचकित होकर के बहुत ही उनसे पूछते हैं इस प्रकार दोस्तों कोटि मनोज लजाओ निहारी सुनि कहूँ को आन तुम्हारी सुनी सनी मई मंजलवाणी सकुची शिय मन मुँह मुस्कानी। तब कोटि मनोज लजाव निहारी हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने में ये तुम्हारी कौन है। तब वह कहते हैं हे सुमुखी हे सुंदर मुख वाली हे कोमल शरीर वाली सीता, सीता जी से पूछते हैं कि ये दोनों जो हैं आपके क्या लगते हैं, क्या आपके हैं और इस वन में आप कैसे आए हैं और इस प्रकार का वृत्तांत उसे पूछते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ वह पूछने की अभिलाषा उनके अंदर है, भक्ति की अभिलाषा होती है, दूसरी तरफ उनको संकोच हो रहा है कि कहीं हमारे मुंह से कोई गलत निकल जाए। अद्भुत और विशाल प्रकृति के भगवान को देख करके साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तब कहते हैं सुनि स्नेह मई मंजुलवाणी, तब
तब उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सोचा गई, उनको संकोच हो गया कि मैं दोस्तों स्त्री का एक विचारधारा होती है, एक धर्म होता है, एक नीति होती है, स्नेह होता है और सम्मान होता है और लाज होती है, स्त्री में लाज बहुत होती है दोस्तों। तो स्त्री जो है, स्त्री का स्वरूप ऐसा है, वो हर बात को हर समय हर व्यक्ति के सामने अपने मन की बात को नहीं कह सकती है, कुछ ना कुछ जो है वह अपने अंतःकरण में बातों को रखती है, क्योंकि उनका शील स्वभाव परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि से ही स्त्री के अंदर सहनशीलता और भावों को, किसी भी विचारों को और किस प्रकार से व्यक्त किया जाए उसके बारे में वह जानती हैं, बातों को प्रस्तुत करना, किस प्रकार से किसी बात का उत्तर दिया जाए, तो वह उनके अंदर एक प्रकार का संकोच का भाव होता है, इसी मर्यादा की रक्षा करने के लिए और पारिवारिक और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए स्त्री में जो है लाज होती है दोस्तों, उसी लाज के कारण स्त्री जो है मर्यादा की प्रतीक है। तो इस प्रकार दोस्तों सीता जी में भी उसी प्रकार के गुण थे, मर्यादा के अनुसार उन्होंने आज के परिवेश से बिल्कुल ही भिन्न है दोस्तों, आज परिवर्तनशील जीवन है, परिवर्तनशील समय है और परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा का युग है, उस समय दोस्तों आचार संहिता थी, आचार संहिता के अनुसार मानव जो है अपने स्वरूप अपनी मर्यादा से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता था, मर्यादा के अनुरूप चलता था। इसी प्रकार तब सीता जी जो है संकोच करती हैं, सकुची सी मन मह मुस्कानी, एक तरफ से जहाँ उनको अंदर ही अंदर खुशी का एहसास हो रहा है, ये लोग हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वह उनके बारे में कहने में संकोच कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी को अगर कोई तीसरा आदमी अगर पूछता है, तो अगर उनके साथ कोई और होता है तो डायरेक्ट वह जो है सीधे रूप में वह उनका वर्णन नहीं कर सकते। इसी प्रकार तुलसीदास जी दोस्तों सामाजिक परिवेश का और पारिवारिक परिवेश की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का सूचक है और आज की नारियों के लिए भी, आज के समाज के लिए भी एक प्रेरणा का बहुत अच्छा मार्ग है। ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में रख करके हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, इसीलिए तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, इतने ही बिलो की बिलो की दिखरनी जो सको सकुचरे बर बरनी सकुच सप्रेम बाल मगनैनी बोली मधुर वचन वचन पिक बर बैनी, यानी तिन्ह ही बिलो की बिलो कति धरनी, तब उत्तम गौर वर्ण वाली सीताजी उनको देखकर जो भी वह संकोच बस जो है वह किसी बार को पूछने में परेशान, यानी वह संकोच कर रही हैं, तो संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं, तब वह धरती की तरफ सीता जी देखती हैं, उनका उत्तर बताने के लिए पृथ्वी की तरफ देखते हैं, पृथ्वी माँ है तो माँ की तरफ माँ की लाज रख रही हैं, माँ की लाज को उनके अंतःकरण में आती है, देखती हैं वे दोनों ओर से संकोच से सोचा रही हैं, एक तरफ जहाँ पृथ्वी माता है, दूसरी तरफ वहाँ की प्रजा है, प्रजा की जो सखियाँ हैं, जो वहाँ पर स्त्री हैं पुरुष हैं, सब उनसे पूछ रहे हैं कि आपके कौन लगते हैं, क्या हैं आप, क्यों कैसे यहाँ आए हैं, इस प्रकार से इतना ही पूछते हैं, इतने सुकुमार और इतने अच्छे जो किशोरावस्था में इस वन में विचरण कर रहे हैं, ये आपके कौन लगते हैं, तो सीता जी संकोच कर रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच, एक तरफ से जहाँ उनको ये है कि अगर वह कुछ नहीं बताती, उनका उत्तर कुछ नहीं देती हैं, तो उनको जो गांव की स्त्रियों का जो दुख है वह उनके अंतःकरण में एक तरह इस प्रकार के भाव स्त्रियों का दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा का संकोच है, और एक तरफ से जब वह बताती हैं कि मेरे पति दोस्तों पहले उस समय तत्कालीन समय में दोस्तों हर समय जो है स्त्री पुरुष के बीच में लाज थी, और समाज में अगर वह एक दूसरे को के बारे में बात चीज़ करने में थोड़ा संकोच करते थे, उस समय का परिवेश ऐसा था, यानी पारिवारिक मर्यादा के अनुसार चलते थे, मर्यादा के विमुख होकर नहीं चलते थे, अनेक प्रकार के पारिवारिक विचारों को तुलसीदास ने सामने रखते हुए तब सीता जी के मन में एक तरफ से दुख ये होता है
कि अगर मैं नहीं बताते हूँ, इनके बारे में अगर वर्णन नहीं करते हूँ तो इन लोगों को दुख लगेगा, इन लोगों को जो इनके अंतःकरण में किसी चीज़ को जानने की अभिलाषा है, और तो इनकी अभिलाषा वैसी रह जाएगी। दूसरी तरफ से उनको इसलिए उनको संकोच हो रहा है कि मैं बताऊँ तो किस प्रकार बताऊँ। तब सकुजी सप्रेम बाल मगनयनी बोली मधुर वचन पिक बयानी, अर्थात वह बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच करते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ से बताने में लज्जा का संकोच करते हैं। तो हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली, यानी सीता जी के नेत्र जो थे वह जिस प्रकार हिरण का बच्चा होता है, हिरण के आँखों की शोभा दोस्तों बहुत ही सुंदर आँखों की वर्णन, यानी सीता जी के इस प्रकार के नेत्र थे जो हिरण भी उसके सामने कम पड़ जाता है। तो कोकिल जो कोयल की जैसी आवाज़ वाणी थी उनकी, कोयल की आवाज़ जो है दोस्तों सबसे अच्छी मानी जाती है, मधुर मानी जाती है। और सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली, तब उन्होंने मधुर वचन बोला दोस्तों। जैसे हमारे संगीत में जो है हमारे जैसे ये लता मंगेशकर थी उनको कोकिला कहा जाता, यानी कोयल की जैसी वाणी जिसके अंतःकरण में उन जिनके सुर जो हैं कोयल का जैसे आवाज़ से अगर कोयल अगर वन में बोलती हैं वो अपना बोलती हैं तो हमारे अंतःकरण में एक अपार आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार सीता जी की वाणी में कोयल के जैसा भाव थे, उनका जैसा गला था, उस प्रकार के भावों से लोगों ने अपार संतोष और अपार एक प्रकार का शांति का आभास किया, और अपार मतलब कोयल की वाणी में हमारे चिंतन में अनेक प्रकार के मनोरम भावों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तब उन्होंने क्या कहा, खंजन मंजू त्रिषि नयनम। तब तुलसीदास ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन किया है, सीता जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सौंदर्य का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, उपमा इस प्रकार से उपमा दी है जो कि उसका हृदय के भाव से उनका वर्णन किया है। निज पति कहूँ तिन्हीं से नरसैनी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशिधन लूटी। तब खंजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके, खंजन पक्षी का जो तिरछे नेत्र होते हैं इस प्रकार की जो आँख होते हैं उनके तिरछा करके सीता जी ने इशारे करते हुए उनसे कहा, श्री रामचंद्र जी मेरे पति। तब राम और लक्ष्मण की तरफ उन्होंने केवल इशारा किया, जब राम लक्ष्मण जी अच्छे थे तो उन्होंने आँखों से इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं, केवल इशारा किया और मुँह से वह कुछ भी नहीं बोली। और यह जानकर गांव की सब इतिहास थी इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो कंगालों के धन की की राशियाँ लूट ली। तो परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी सीता जी के पति हैं करके जब उनको तिरछी नज़र से सीता जी ने बताया, तब वहाँ की जो गांव की स्त्रियाँ थीं उन्होंने अपार हर्ष की अनुभूति की और उनके अंदर भक्ति के भाव उत्पन्न हुए, और वह वास्तविक जो अपने मन में सोच रहे थे और वही उनके भाव सत्य निकले। इस प्रकार सीता जी ने अनेक प्रकार के संकोच के भावों को दूर किया और अनेक प्रकार के संकोच को मर्यादा भी रह गई और संकोच भी नहीं रहा। तो मर्यादा की ये भावों को सजो कर रखने के लिए सीता जी ने इस प्रकार से समझाया कि किसी को पता भी नहीं चला, और उन्होंने पूरा वर्णन अपनी तिथि आँखों के इशारों से उन्होंने रामचंद्र जी को अपना पति हैं करके बताया। अति सप्रेम सी पाए परी बहुविधि आशीष सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही अशीशीष। तब वह दोस्तों उनको आशीर्वाद देते हैं, क्या कहते हैं कि अति सप्रेम सी पाए परी, या वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। जितनी भी गांव की स्त्रियां जो वन में जा रही हैं वो सीता जी को आशीर्वाद देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष नाग जी के सिर पर जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहोगी, तुम हमेशा सौभाग्य बनी रही, या इस संसार में आपकी अमित छाप होगी और आप हमेशा सुहागिनी बनी रहोगी, आपका जो जीवन है जो आपका पति और आप हैं हमेशा
सुहागिन रहोगी, हमेशा अमर रहेंगी। और इस प्रकार की भाव उन्होंने, तो वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर उन्होंने आशीर्वाद दिया और शुभकामना करती हैं, उनके उनकी मंगल कामना करती हैं कि जब तक शेष जी इस धरती पर, जब तक शेष जी के सिर पर जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहोगी, यानी तुम हमेशा के लिए इसी प्रकार रहोगी, सुहागिनी सुहागिन रहोगी। इस प्रकार का वरदान, इस प्रकार का आशीर्वाद, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की भक्ति वहाँ के वासियों ने, जो वन में जाते हुए इस प्रकार की स्त्रियाँ जो भी मिली, उन्होंने रामचंद्र की आभा का उनका साक्षात दर्शन किए, राम लक्ष्मण की जिस प्रकार के वस्त्र थे, जिस प्रकार का पहनावा था, उनके सौंदर्य का, उनके रूप का, अनेकों कामदेव भी उनके स्वरूप के सामने निरर्थक हैं, बेकार हैं। सीता जी इस प्रकार की खंजन पक्षी की जिस प्रकार से आंखें होती हैं, इस प्रकार की आंखें सीता जी का सौंदर्य का वर्णन किया, और शरद पूर्णिमा के समान जिनकी आंखें हैं, इस प्रकार का वर्णन करके तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक, दोस्तों इतना मार्मिक और गूढ़ रहस्यों की वर्णना की है, और मर्यादा की और पारिवारिक भावों को संजो कर और मर्यादा को हमेशा संजो कर रखने का प्रयास किया है। दोस्तों आज के प्रसंग में परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वन में आते हैं और अनेक प्रकार के वन की स्त्री नारियाँ उनको मिलती हैं, सीता जी से संवाद होता है, सीता जी से पूछती हैं, सीता जी को मन में संकोच है, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, अपनी लाज है लज्जा है, उसी कारण वह अपनी तिरछी नज़रों को कर करके अपनी आँखों के भावों से, संकेतों से उनको अपने पति परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के बारे में बताते हैं। आज के प्रसंग में बस इतना, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आगे का प्रसंग फिर अगले ब्लॉग के साथ, सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ, हनुमान जी की कृपा सभी पर बढ़े, मंगल भवन मंगल हारी उमा श्री देव दीन दयाल विश्वारी हरौना हनुमान तहीं परसा करपुरपीन कृपणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार के भाव से सबके जीवन में परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे, सबका धन्यवाद।